देखिए, वैसे तो हर पैथी जो है ना जी, उसका अपना अपना महत्व है। आयुर्वेद ने भी बहुत लंबे टाइम तक सेवा की है लोगों की, और आज भी सेवा कर रही है, और लोगों को बड़ा उससे लाभ होता है। जहाँ तक एलोपैथी की बात है, पिछले लंबे टाइम में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, और आज की तारीख में वो ज़्यादा लोकप्रिय है सबसे, और उससे भी लाभ हो जा। तो मैं समझता हूँ एक दूसरे की आलोचना का कोई औचित्य नहीं है इसमें। हर चीज़ का अपना अपना बहुत महत्व है, आयुर्वेद का भी अपना अपना महत्व है। और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद को उन्होंने लोकप्रिय किया, उसके बारे में समाज को बहुत जानकारी दी उन्होंने, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल है। और उसके साथ साथ ही जिस प्रकार के सही योग को भी उन्होंने लोकप्रिय किया, हालांकि योग पहले भी था और आयुर्वेद पहले भी था, कोई ऐसा नहीं है कि रामदेव जी ले गए, ये सारी चीजें पहले, लेकिन इसको लोकप्रिय करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को सेहतमंद करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके दिखाए रास्ते से, चाहे आयुर्वेद का है और चाहे योगा का है, तो उससे लोगों को बड़ा लाभ हुआ, उनका बहुत बड़ा महत्व है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जहाँ तक पैथी की बात है, देखिए पैथी दोनों हैं, अपनी अपनी जगह हैं, कहीं बहुत ही इमरजेंसी है तो उसमें व्यक्ति, मैं समझता हूँ एलोपैथी के पास ही जाना उस टाइम में पसंद करता है, और अगर आयुर्वेद है, आयुर्वेद से बहुत लाभ होते हैं। मैं तो स्वयं आयुर्वेद का काफ़ी उपयोग करता हूँ, काफ़ी उसके अच्छे, बहुत अच्छे परिणाम हैं उसके। नहीं देखिए, मैं किसी की आलोचना से और किसी की बुराई से मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि हम उसकी आलोचना करें। मैं तो इसी के हूँ कि हम अपने आप अच्छी सुविधाएं दें। अगर हम आयुर्वेद का आगे बढ़ाने चाहते हैं तो उस पर और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए। वर्तमान सरकार उस पर कर भी रही रिसर्च, और हम समझते हैं कि आयुर्वेद जो है हमारा वो है, इस देश का से जुड़ा है, और उस पर रिसर्च होनी भी चाहिए, और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, कि पिछला काफ़ी दौर ऐसा रहा कि जब उस पर रिसर्च नहीं हुई, और अगर रिसर्च उस पर होती तो मैं समझता हूँ कि और अच्छे परिणाम होते। तो निश्चित तौर से उसको बढ़ावा देना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन एक दूसरे की आलोचना करने से मैं समझता हूँ लाभ होने वाला नहीं है सर। जरूरत इस बात की है कि उसको आगे बढ़ावा दे, उसमें आगे कोविड ने जितना अच्छा काम इसमें किया वो काबिले तारीफ है। मैं स्वयं कोरोना का पेशेंट रहा और मैं मेदांता में दाखिल रहा, और मेदांता में वो काढ़ा देते थे, तीन बार वो काढ़ा देते थे, जब मैंने दाखिल हुआ तो तीन बार देते थे, बाद में दो बार देते थे। तो वो उस पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर साहब विश्वास करते हैं। अगर कुछ कुछ लोग बोलने वाले ऐसा बोलते हैं तो बात दूसरी है। और ध्येय क्या है, एलोपैथी का भी ध्येय उसको स्वस्थ करना है, आयुर्वेद का भी ध्येय उसको स्वस्थ करना है। अगर दोनों का एक दूसरे से मिलकर कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो मैं समझता हूँ जो टारगेट है उसको तो अचीव कर लिया उन्होंने, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो आयुर्वेद है। तो आखिर तो लक्ष्य एक ही है कि व्यक्ति को स्वस्थ करना।